So hello everyone, welcome to my channel Commerce Notes. आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो बी और एम में हमें है उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है और जिसके आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ओके तो आ जाए तो कैसे उसे अटैम्प्ट करना है और उसका कंसेप्ट इस वीडियो में हम समझेंगे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है अगर आपने अभी तक चेक नहीं की तो कर लीजिएगा हमने ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर फॉर्मेट में क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया हुआ है ठीक है आप प्ले को चेक कर सकते हैं एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के के लिए एंड अपडेट के लिए ठीक है तो इस चैनल पे हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के के क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में क्या है है बनाते हैं हैं वीडियोस और वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होती ठीक तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ओके अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक है ट्रांसफर तो हमने पिछली वीडियो में प्रमोशन किया था अब हम करेंगे ट्रांसफर का क्या मीनिंग होता है ठीक है ये क्वेश्चन ऑब्वियसली है आपको आता है ठीक है तो हम देखते हैं कि अगर ये आ जाए तो कैसे उसको करना है कह रहे अ ट्रांसफर इन एच आर एम इज़ लाइक मूविंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर विद इन द सेम कंपनी कह रहे एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट में भेजना एम्प्लॉय को सेम कंपनी के अंदर दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफर इन एजी लैंग्वेज ओके देन दे कीप डूइंग द सेम जॉब वो जॉब है वो सेम ही करता है बट मे बी इन डिफरेंट लोकेशन पर लोकेशन चेंज हो सकती है और डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है ठीक है इट इज़ अ वे ये एक ऐसा तरीका होता है ठीक है फॉर द कंपनी टू री कि कंपनी से क्या करती है इस तरीके से कि वो रीअरेंज करती है अपनी वर्क फोर्स को एंड एम्प्लॉय को क्या है न्यू एक्सपीरियंस का चांस देती हैं विदाउट चेंजिंग देयर रोल्स और पे ना तो पे में कोई चेंज आता है एंड ना रोल्स में कोई चेंज आता है सिर्फ लोकेशन चेंज होती है ठीक है ये एक ऐसा तरीका है जिसको कंपनी यूज करती है कि हमारे एम्प्लॉयज को नया एक्सपीरियंस हो हर एक डिपार्टमेंट का ओके या फिर ये कह सकते हैं कि जो वर्क रोल है ठीक है जो आपका जैसे वर्क है उसमें जो रोल है वो क्या है वो तो सेम रहेगा बस आपका लोकेशन क्या है? चेंज हो जाएगा पर कंपनी के अंदर ही होगा ओके आगे देखते हैं हम मीनिंग तो कह रहे इन न ट्रांसफर रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज़ में हम क्या कर रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय की वन जॉब और डिपार्टमेंट से अनदर अनदर uh, में विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज कह रहे ज़्यादा चेंज नहीं आता है जॉब रिस्पांसिबिलिटी रैंक और सैलरी में थोड़ा बहुत हो सकता है बट मोस्टली नहीं होता ठीक है इट इज़ लाइक मूविंग फ्रॉम वन सीट ऑन अ बस टू अनदर विदाउट चेंजिंग द डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन सेम है बस आपने क्या है सीट बदल ली बस की ठीक है ए पहले आप इधर बैठे थे तो अब इधर बैठ गए ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल है अब हम देखते हैं फीचर्स तो कह रहे इसमें सबसे पहले तो चेंज होती है हमारी वर्क की लोकेशन ओके okay? तो कह रहे जो ट्रांसफर है ना इसमें क्या है रीएलोकेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह अनदर जगह में ठीक है सेम कंपनी के अंदर ठीक है यहाँ पर जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं मूविंग फ्रॉम वन ऑफिस ब्रांच टू अनदर और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर विद इन द सेम बिल्डिंग ओके सेकेंड हमारा सेम जॉब रोल कह रहे जॉब रोल तो सेम रहता है ठीक है इन ट्रांसफर जो एम्प्लॉय है टिपिकली कंटिन्यू करते हैं वो परफॉर्म करना सेम जॉब और ड्यूटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी सेम होती है जो पहले थी ठीक है यूजुअली कोई चेंज नहीं आता नेचर ऑफ वर्क में जो वो कर रहे हैं ठीक है थेके? रोल में कोई चेंज नहीं आता नेक्स्ट रीज़न फॉर ट्रांसफ़र लिए ट्रांसफर अब हो सकता है बहुत सारे रीज़न से जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने रीस्ट्रक्चर करना है एम्प्लॉ या इम्प्लॉय के डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए किया गया है या फिर कोई वैकेंसी अराइज हो गई है उसको फिल करने के लिए किया गया है या फिर क्या है कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या हमने उनको दूसरा ये कह सकते हैं शिफ्ट किया है ठीक है फिर है एम्प्लॉज डेवलपमेंट कह रहे इससे क्या होता है ना ट्रांसफर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी कि वो क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं क्यों क्योंकि उनको डिफरेंट डिफरेंट वर्क इन्वायरमेंट मिल रहा है ठीक है अलग अलग टीम मिल रही है अलग अलग प्रोजेक्ट मिल रहे हैं ठीक है थीके? ये अलाउ करता है उनको कि वो गेन करते हैं न्यू न्यू एक्सपीरियंस को और एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी स्किल्स और नॉलेज को ठीक है नेक्स्ट फीचर है इसका फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिलिटी कह रहे ट्रांसफर हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ट्रांसफर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो ट्रांसफर हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेन करने में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिबिलिटी है उनके वर्कफोर्स में क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनकी वर्कफोर्स ने अलग अलग एक्सपीरियंस किया हुआ है अलग अलग वर्क किया हुआ है है ना तो इससे होगा कि, कि कल को कोई flex, मतलब कि कि को, कोई ये कह सकते हैं रिक्वायरमेंट आई तो फिर इंप्लॉयज क्या होते हैं रेडी होते हैं वो कर लेंगे उस चीज को ठीक है फिर रिटेंशन एंड मोटिवेशन कह रहे ऑफर करेंगे अगर हम ट्रांसफर ना वो क्या कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमारी रिटेन करने में टैलेंट जो इंप्लॉय का है बाय प्रोवाइडिंग दैम क्यों क्योंकि उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं क्या उनको एक्सपीरियंस uh, दे रही है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट तो इसमें क्या बोल रहे हैं कह रहे इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट इसेंशियल होता है जब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ट्रांसफर को ताकि इंश्योरिटी बनी रहे कि जो एम्प्लॉय है वो अंडरस्टैंड करे क्यों क्या रीज़न था ट्रांसफ़र का ठीक है और जो भी मतलब कि क्या रीज़न था ट्रांसफ़र का किस जगह ट्रांसफ़र हुआ ये सब ठीक है तो कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट नेक्स्ट है अब हम इसके समरी देख लेते हैं बिकॉज समरी लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एट द एंड ऑफ द आंसर तो क्या बोल रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रांसफर एज अ स्ट्रेटिक टूल तो जैसे प्रमोशन एक स्ट्रैटेजिक टूल था वैसे ही ट्रांसफर भी क्या है एक स्ट्रैटेजिक टूल है जिनको यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा मैनेज करने के लिए अपने टैलेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपनी वर्क फोर्स यूटिलाजेशन को एंड सपोर्ट करने के लिए एम्प्लॉय के डेवलपमेंट डेवलपमेंट को एंड रिटेंशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये अलाओ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई वो अडेप्ट कर सकते हैं चेंजेस सर्कमस्टांसिस को और प्रोवाइड करते हैं हम एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ एंड एडवांसमेंट कर सकते हैं वो डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी ठीक है तो होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया जहाँ पे हमने सिर्फ इसका मीनिंग एंड इसके फीचर्स करे हैं इसके रिगार्डिंग और जो क्वेश्चन बनते हैं वो अलग वीडियोज़ में आएंगे ठीक है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए सो so, होप आपको ये समझ आया हो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो